जी ये सेक्युलरिज्म के सवाल को लीजिए, हमारा ये पूरा का पूरा ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र जो एक बुनियादी स्तंभ है हमारे संविधान का, उसकी हालत क्या है? हर जगह पर नफरत ही नफरत फैलाया जा रहा है, और पहले दो चरण के वोटिंग होने के बाद इतना बौखला गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि उसके बाद और कोई सवाल नहीं है, और कोई सवाल नहीं है, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, और झूठ के आधार पर ये नफरत फैला रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ। और ये नफरत के आधार पर क्या चाहते हैं? एक ध्रुवीकरण, एक ध्रुवीकरण, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाओ और उसका फायदा जो है उनको मिले वोट के रूप में। और इसी के चलते वे आज देख रहे हैं हम उस तरीके के ध्रुवीकरण, कहीं पर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान हो, हिंदू ईसाई हो, कहीं पर जाति के नाम पर ध्रुवीकरण, कहीं पर आपके परंपराओं के आधार पर ध्रुवीकरण। आपके बगल में मणिपुर में हो क्या रहा? एक साल हो गया, एक साल, एक पूरा साल हो गया। इस पूरे साल में प्रधानमंत्री एक बार भी अपना मुंह खोल के वहां पर शांति के लिए अपील नहीं किए। वो चाहते हैं ये ध्रुवीकरण हो, ये संकट हो, ये झगड़े हो, जितना ये झगड़े बढ़ते हैं उनके लिए प्रजावन को समझते हैं। अफसोस ये कि देश को नुकसान है, लोगों को नुकसान है, निर्दोष लोगों की जाने जा रही है। ये मणिपुर की हालत, दूसरी ओर से जैसे चुनाव नजदीक आए फिर से शुरू हो गया पार्ट उनका कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स जो है उन्होंने घोषणा कर दी। पांच साल कुछ नहीं किया, लेकिन चुनाव जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सीएए के रूल जारी कर दिए। अरे जो असम के अंदर एनआरसी बनने की बात सुप्रीम कोर्ट के दायित्व में जो बन चुकी है उसकी घोषणा आज तक नहीं होती, वो रजिस्ट्रार को जो करना है वो आज तक हुआ नहीं। इन चीजों पर उनके ध्यान नहीं है, ध्यान यही है कि ध्रुवीकरण कराओ और झगड़ा कराओ। और इसके ध्रुवीकरण और झगड़े के चलते चलते आज हमारे देश के अंदर देश की एकता और अखंडता को ही सबसे बड़ा खतरा आज ये सरकार पैदा कर रही है अंदर अपनी लोगों की उनकी रोजमर्री जिंदगी। यानी आज जरूरत क्या, आज अपने देश को बचाना है, उसकी चरित्र को बचाना है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य का बचत उसको बचाते हुए उसको मजबूत करना है। आज हमारे देश के अंदर हर नागरिक को एक इंसान के रूप में बराबरी के आधार पर उनकी इज्जत हो, वो जो संविधान हमारी गारंटी देती है उस गारंटी को लागू करना। मोदी गारंटी नहीं, मोदी गारंटी का मतलब है जीरो गारंटी। वो एक भी गारंटी उनका कभी लागू नहीं हुआ, ना होगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी आपूर्ति की रही, कुछ ने बाद में बोला कि वो जुमला है। तो उसके बाद इस तरीके से कई सारे उनके नारेबाजी तो चलती रही, एक भी लागू नहीं होगा। ये गारंटी करवाना है कि ये संविधान हमारे यहां से बचेगा, वो उसको लागू करवाना है, और साथ ही साथ देश के अंदर लोगों की जनवादी अधिकारों की रक्षा करनी, साथ ही साथ देश के अंदर जो भी अपनी विचारधारा हो, अपना धर्म हो, अपना जाति हो, सबको बराबर के अधिकार जो मिलना चाहिए उसको लागू करवाना। अगर ये सब करवाना है तो इससे ध्वस्त करने वाली ताकत को सत्ता से अलग रखना, और साथ ही साथ देश के अंदर लोगों की हालत को बेहतर करना है, रोजगार के आधार पर और एक बेहतर आर्थिक जिंदगी देनी है। तो ये आर्थिक नीतियां मोदी साहब की है, उनको बदलना है, जनहित में आर्थिक नीतियों को लागू करना है। तो अगर ये सब करना है तो आज मोदी साहब की सरकार को हटाना है। अगर उसको हटाना है तो मनोरंजन की जरूरत है दिल्ली के अंदर, वो लाए वहां पर और हम सबको मदद।